हेलो एवरीवन। तो अभी बस मैं वीडियो शूट करने जा रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ली जाए, लेकिन इस ब्लॉग आने से पहले ही वो वाली वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी मेरी कुर्ती जो मैंने मंगाई हुई है, बहुत सारे कपड़े मंगाए हुए हैं, तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाने की मेरी तैयारी हो रही है। तो अगर आपने देख लिया तो कोई बात नहीं है, नहीं देखी होगी तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। तो बस मैंने सारे कपड़े ले लिए हैं और बस तैयारी है वीडियो शूट करने की, और लक्ष्य अभी सो रहा है और बहुत सारे काम पेंडिंग में डले हुए हैं। बट मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम कर लूँगी। अनिल गए हुए हैं ऑफिस, तो वैसे भी मैं उनको मिस कर रही थी, तो डली थी तब से, नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो अब आपसे मिलती हूँ वीडियो शूट करने के बाद। तो फाइनली मैंने वीडियो शूट कर ली है और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है हमेशा की तरह, और लक्ष्य सो रहा है, वरना मैं सोच रही थी उससे थोड़ी वीडियो बनवा लेती एक दो, बट वो सो रहा है और अनिल तो है ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, इनको मुझे तय लगा के रखना है, पहले मुझे इनको पहन के वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं इनको तय लगा के रख दूंगी अच्छे से और बस तैयारियों में लग जाऊंगी। तो जल्दी से जाइए और जो भी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं, तो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो फाइनली बस मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, वीडियो मैंने बना ली है और आप लोगों तक पहुँच भी गई होगी। तो बस अभी मैंने पूजा कर दी है क्योंकि अनिल आएंगे लेट, तो मैंने सोचा पूजा कर देती हूँ। लक्ष्य कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम पर लाइव चलती हूँ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरी दो आईडी हैं, साधना अनिल कुमार के नाम से और साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से, तो जल्दी से जाइए और फॉलो कर लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर लाइव चलती हूँ फिर, बस लाइव चलती हूँ ठीक है, फिर उसके बाद बनाना है मुझे डिनर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, आपको देख ही रहा होगा, बहुत टाइम बाद ये कुर्ती पहनी है। कपड़े नीचे चले जाते हैं तो फिर याद ही नहीं रहता कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी हुई है, आगे आपको फुल लुक देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम कहीं जा रहे हैं और ये है लक्ष्य, लक्ष्य भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अनिल अभी अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो हम उनका ही वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लेट हो जाएंगे और पता नहीं कब तक फ्री होंगे अनिल, कुछ नहीं पता। जल्दी जल्दी मैं तो जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ, बस मुझे ये कुर्ती मिल गई तो जल्दी से मैंने इस पर आयरन किया, यानी कॉटन की कुर्तियाँ होती हैं ना तो रखी रहती हैं, तो फिर उसमें सिलवट हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता बिना प्रेस किए हुए। तो बस मैंने इस पर प्रेस कर लिया। ये कुर्ती भी मैंने अमेजन से मंगाई हुई थी और बहुत ही सस्ती कुर्ती है ये, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, डेली के हिसाब से अच्छा है, और अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो तो भी आप इसको वेयर करके जा सकते हो, एकदम कम्फर्टेबल है। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि कल मैंने रात में अपने ब्लाउज की कटिंग करी थी, तो अभी मैंने स्टिच नहीं किया है, तो आज मैं कहीं जा रही हूँ, वहाँ से लौट के आने के बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं स्टिच कर लूँगी। सारा काम ऑलरेडी हो ही चुका है, तो बस अनिल का वेट है और चूड़ियाँ अभी तक मैंने नहीं निकाली है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है इनको निकालने का। तो चलिए बस चलते हैं। लक्ष्य की हाइट इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि इसके कपड़े छोटे हो जाते हैं। ये इसकी कॉटन की शर्ट है, कितना भी प्रेस कर लो ऐसी की ऐसी फिर से हो जाती है, तो बस इसलिए इसके लिए कपड़े मैं लेती हूँ तुरंत जल्दी से पहना देती हूँ। मैं इसके लिए नए वाले कपड़े बहुत कम रखती हूँ, जो लेती हूँ तुरंत पहनाती जाती हूँ, फिर भी छोटे हो जाते हैं, फटते ही नहीं हैं, क्या करें। हाँ हमारे तो सालों साल चलते हैं। और अपनी वॉच दिखाना, मैंने अनिल को वॉच गिफ्ट में दी तो अनिल की वॉच इसने ले ली है, MI वाली है, कलर भी अच्छा लग रहा है, बताना लक्ष्य, कलर ब्लू है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये, पता नहीं कब तक जाएंगे, 5-5 मिनट बोल के अभी 15-20 मिनट हो गई है, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती यार क्योंकि ऑफिस का काम कर रहे हैं। और नेल पेंट मेरी निकल गई है, नेल्स भी टूट गए यार, मेरे नेल्स भी टूट गए बहुत ज़्यादा। नींद आ रही है मुझे, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बस जाना पड़ रहा है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों। मैं इयररिंग्स भी नहीं चेंज कर पाई, सोच रही थी चेंज कर लूँ इनके चक्कर में, फिर भी देख लो करवा चौथ आने वाली है, थ्रेडिंग बनवाने जाना है मुझे अभी, देख सकते हो ये, इंतज़ार कर रही हूँ अभी मैं बैठ के। तो फाइनली ये कपड़े पहन रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं, और लक्ष्य भी सैंडल पहन रहा है, और लक्ष्य स्कूल जाता है ना तो उसके सूज नहीं आया, तो सैंडल इतना गंदा करके ले आता है ना कि गार्डन में खेलता है, इसलिए वो साफ भी नहीं हो रही थी। जल्दी जल्दी पहनो लक्ष्य, बहुत लेट हो गए, लक्ष्य बात है कम करो। और मैं भी पहन लेती हूँ अपनी सैंडल। ओ ला 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 ला, मेरा स्टोर रूम भी थोड़ा क्लीन हो गया है, और ऐसे ही मैंने ये मशीन रख दी है यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने ब्लाउज की कटिंग भी कर ली है, ये रखा हुआ है कटिंग किया हुआ ब्लाउज। लाइट बंद कर देते हैं, आप तो वो वाली सैंडल पहन के जाओगे ना, बाहर रखी है वो,
चलते हैं। और जब बहुत टाइम बाद कोई कपड़ा पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज मैंने जस्ट अभी नोटिस की जब मैं आपसे बात कर रही थी ना उस टाइम पे, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो मैं बता रही थी ये आपको मैचिंग मैचिंग है ना, मैचिंग मैचिंग हो गया है। जल्दी से चलते हैं कि हम लॉक लगा दो, नींद आ रही है, नींद बहुत तेज। तो अभी आ गए हैं हम नीचे, अनिल गाड़ी बैक कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को फुल लुक दिखा दूं, क्योंकि मैं ही ब्लॉगिंग करती हूं तो फुल लुक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये कुर्ती इस वाले प्लाजो के साथ बहुत अच्छे से जा रही है। वैसे मैं इसको गरारा के साथ वियर करने वाली थी बट मुझे यही मिल गया तो मैंने इसके साथ ही कर। तो हम लोग निकल आए हैं, लक्ष्य आगे बैठ गया है क्योंकि हमेशा आगे मैं बैठती थी तो एक दो कमेंट आ जाते थे कि लक्ष्य पीछे बैठा है। तो मैंने सोचा कि चलो लक्ष्य आगे बैठ जाओ, तो बस लक्ष्य आगे बैठ गया है। और अभी हम निकल दिए हैं घर से, एक डेढ़ घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी हो रहा है 8:15 और मुझे इतना ज़्यादा अजीब मचलने लगा था तो रास्ते में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और हम लोग आ भी गए वापस। तो बस अभी अनिल आते ही ऑफिस के काम में लग गए थे और मेरा जी इतना मचल रहा था, इतना सर में दर्द, इतना सर में दर्द, उल्टियों जैसा मन हो रहा था बट मैंने उल्टियाँ नहीं हुई मुझे। और अभी मैं थोड़ा एक घंटे से आराम से ऐसी लेटी हुई हूँ, कुछ नहीं किया, कपड़े भी चेंज नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। कपड़े चेंज तो मैं इसलिए नहीं करती ना कि जाओ फिर कपड़े ये तो होंगे ही और फिर दूसरे भी हो जाएंगे। तो इन्होंने खाना ऑर्डर कर रहे हैं ये, क्योंकि मेरा भी आज मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। और तो इन्होंने बोला कि ठीक है, वैसे हम उधर ही आए थे ना तभी खा के आते, बट इनके कॉल पे कॉल आ रहे थे, ऑफिस का काम करना था तो फिर हम लोग घर पे आ गए। और अभी हम ये कर रहे हैं खाना ऑर्डर। क्या क्या मंगा रहे हो? दाल, हाँ, आठ रोटी, हाँ, फ्राइड राइस, हाँ, फ्राइड राइस में करते हैं, जीरा राइस, हाँ, रोटियाँ, जीरा राइस और पनीर की सब्जी और दाल, इतना कर दो। ठीक है, जीरा राइस, जीरा, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, मुझसे बोल रहे हैं कि खाना मंगाऊं कि पिज्जा मंगाऊं। मैंने बोला कि आपकी मर्जी हो वो मंगा लो भाई, बस मैं तो जो आएगा वो खा लूँगी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे पिज्जा ही खाना है और मुझे खाना ही खाना है। तो बस अभी थोड़ा और लेट ही हूँ मैं, कुछ नहीं किया आज, मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है और कुछ नहीं किया। चलो तो फिर आलसी भरा दिन आज हमारा, कर दिया खाना किया है। कितना टाइम लगेगा खाना आने में? 9 बजे आएगा, ठीक है, पूजा कर दो। तो ये खाने की डिलीवरी आ चुकी है, मैडम गई हैं लेने के लिए और खाने के लिए तो ऐसे तत्पर रहती हैं वो। तो आप देखो मैडम गई हैं लेने के लिए, तो ये भैया खड़े हैं, आने वाली होंगी मैडम को, इतना टाइम कैसे लग गया। तो मैडम ने ले लिया है, चेक कर लेना सब। तो फाइनली खाना आ गया है और बर्तन की आवाज आप लोगों को आ ही रही होगी, तो बस अब हम लोग खाते हैं खाना और साथ में ही देख रहे हैं टीवी। और मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने मतलब सर में वो लगा लिया है, क्या बोलते हैं उसको, बाम, टाइगर बाम लगा लिया है। टाइगर बाम से सही हो जाता है दर्द। और मेरी चूड़ियों की आवाज आ रही होगी आप लोगों को, नहीं वो तो बह रहे हैं उनको। उसके बाद में हम खाना खाएंगे फिर आराम से खाना खाएंगे। ये लक्ष्य जा रहा है आज स्कूल, तो लक्ष्य का टिफिन तैयार हो रहा है आज। इनका मुंह देख लो, सवेरे ही सवेरे कैसा हो गया, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद तबीयत खराब है मेरी यार, कल से तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी तबीयत कभी सही रहती है? कभी नहीं, कल से फिर जी में चलने लगा, कभी सही नहीं रहती है। काम तो कर रही हूँ ना, बस बस बात बराबर, बात बराबर कि बात खत्म। तकलीफ मुझे हो रही है ना, आपको नहीं? तो इनको तकलीफ हो रही है और ये लक्ष्य का टिफिन तैयार हो जाएगा और लक्ष्य जाएगा। और ये देखो लक्ष्य को, और लक्ष्य की फेवरेट भिंडी बनाई हुई है, और एक्चुअली ये लक्ष्य की फेवरेट सब्जी है, ये भिंडी फर्स्ट फेवरेट सब्जी है। दूध गर्म हो चुका है और उधर कपड़े वॉश हो रहे हैं और उधर मशीन लगा दिए।
तो मतलब कितना एक साथ ये मल्टीटास्किंग औरत है ये। मैं नहीं, सारी लेडीज ऐसे ही करती हैं। ये क्या है ना, ये सब एक साथ करके कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सब एक साथ लगा देंगी फिर फ्री हो गए अपना कीर्तन जो भी होगा, मोबाइल का या इधर उधर बातें करने का, एक दूसरे की बुराई करने का। बातें नहीं हुई कितने टाइम से, किसी से बातें नहीं हुई मेरी, बिल्कुल बातें नहीं करती। चलो टिफिन लगाने पे ध्यान दो, लक्ष्य लेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बर्तन लगे हुए हैं और ये विंगी मेरा फर्स्ट फेवरेट फूड था। तो उधर मशीन लगी हुई है और मैं सोच रही हूँ कि ये वाले कपड़े हाथ से वॉश करने वाले हैं, तो इनको ये आज ही वॉश करके डाल दूं, क्योंकि बारिश हो रही थी दो तीन दिन से, तो कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। तो मेरे कपड़े तो कम है लेकिन लक्ष्य के ज्यादा कपड़े हैं, तो बस लक्ष्य के तो मशीन में ही वॉश हो रहे हैं, तो अनिल के मैं वॉश करने डाल देती हूँ बाथरूम में। ठीक है, तो अभी मुझे झाड़ू पोछा लगाना है। कुछ भी नहीं हुआ मेरा, डायरेक्ट मैंने किचन में वही दूध गर्म, चाय पानी और खाना पीना किया है, तो सारा प्लेटफॉर्म मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। बस बर्तन बाकी है, बस उनको साफ कर लेती हूँ। और इयररिंग्स मैंने निकाल दिए थे और मैं सोच रही हूँ आज फिर से हेयर पैक लगा लूँ, तो हेयर पैक लगाने की सोच रही हूँ, फिर काम कर लूँगी अगेन। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। और चाय मेरी बन गई है, अनिल आ जाएंगे लक्ष्य को छोड़ने के बाद, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो चलिए कर लेते हैं काम। तो फाइनली मैंने कुर्ती निकाल दी है और मैंने ये टी शर्ट डाल ली है, और अभी मैं फेस हेयर पैक लगाने जा रही हूँ। सॉरी, फेस पैक ही निकल जाता है, तो ये हेयर पैक लगाने जा रही हूँ। ये वाला हेयर पैक मैंने बताया है फुल डिटेल में, मेरी जो एक वीडियो है दशहरा वाली, उस वाली में। तो अगर जो जिन लोगों ने भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। अनिल अभी तक नहीं आए तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, और जैसे ही आएंगे तो हम लोग चाय पियेंगे। और साथ में ही मैंने मशीन का पानी निकाल दिया है और उसमें दूसरा पानी चला दिया है, तो कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, सारा काम झटपट से हो जाएगा। और आज मुझे एक वीडियो शूट भी करनी है, और पेट में ना मतलब मेरे दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ आज फिर से मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। दवाइयाँ तो चल रही हैं मेरी, बट फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए काम तो कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिस्तर में डले रहने से तो काम चलने वाला भी नहीं है। मन तो करता है कभी कभी कि डले रहो, क्या पता सही हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं, मैं लगा लूँ फिर मिलती हूँ। तो मैंने लगा लिए हेयर पैक, आप लोग देख सकते हो। और अभी मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं और अनिल भी आ गए हैं। अनिल भी आ गए हैं तो हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। ये कप में पी रहे हैं, जो मेरे एनिवर्सरी पे जो मग दिया था ना, मग में पी रहे हैं। कप नहीं बोलेंगे, मग बोलेंगे। और मैं पी रही हूँ कटोरी में, क्योंकि मैं कटोरी में ही चाय पीती हूँ। मैं एकदम देसी लड़की हूँ, देसी, शुद्ध देसी, और क्या। और मैंने अभी ना रेलिंग का गेट ओपन कर दिया है, क्योंकि रात में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, तो सुबह मैं दोनों रूम की रेलिंग का गेट ओपन कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि सारी एकदम उमस, मतलब अजीब सा होता है ना, एकदम फ्रेश हो जाता है, बाहर की हवा अंदर आ जाती है। रात में पादा है वो सब निकल जाता है। पादा मैं नहीं पाती, मैं उस वाले रूम में सोती हूँ और जाके सवेरे सो। तो गेट खुलता ही है, खुलता है, बट इतने इसमें से जितनी उमस निकलती है उसमें से नहीं निकलती। क्यों नहीं बता रही हूँ, ब्लॉक की जगह तो मैं अपनी शक्ल दिखानी है। जी कह रहा है कि अपनी शक्ल दिखा रही है, तुम ब्लॉग थोड़ी बना रही हो। और ये अच्छा लगता है सुबह सुबह चेहरा जब सो के उठते हैं तब, और आंखें लेकिन सूजी हुई लगती। अगर मेरी इतनी बड़ी आंखें होती तो मैं कितनी सुंदर लगती। कितनी ऐसे ऐसे मैं फाड़ देता हूँ मुझसे। फाड़ के नहीं, मेरी आंखें छोटी हैं यार। चलो मैं अभी थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, साथ में चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मुझे तो लगना ही है झाड़ू पोछा वही सारा काम। और बीच बीच में मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब उल्टी जैसा मन, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ बीच बीच में। पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो यहाँ पे अनिल पेड़ों में दे रहे हैं पानी, क्योंकि अनिल ही देते हैं ज्यादातर। यहाँ पे तुलसी मैया लगी हुई है, हमारे दो चार पेड़ लगे हुए हैं, एक में टमाटर भी आने लगा है, बैगन भी आया था, पर उसको शायद किसी की नजर लग गई तो वो टूट गया, पता नहीं क्यों। इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए हैं, और मशीन से वॉश करने वाले कपड़े आप लोग देख सकते हो, पूरा भरा पड़ा है इधर उधर, तो मैं इनको भी डाल देती हूँ। अनिल अभी नहा रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ, और हेयर वॉश भी कर ली है मैंने, तो चलिए झटपट से इनको डाल देती हूँ। उसके बाद मेरा ब्लॉग आने वाला है, तो मुझे अभी थंबनेल और टाइटल डालना है, अभी 10 मिनट बाकी है बस, तो झटपट से इनको डाल देती हूँ। और अनिल भी पूजा करेंगे, आज काफ़ी लेट हो गए, 12 बजे से पहले ही पूजा करनी है, तो चलिए कर लेते हैं काम। और आज मुझे ऊपर यही मिल गया तो मैंने यही पहन लिया। क्या आई
तो इसकी आ रही थी तो 10:50 पे मैं याद कर रही थी मैं बहुत वॉच पहन के गया था आज मैम ने कुछ कहा नहीं मास्क निकाल दो मास्क को डस्टबिन में डाल दो बहुत गंदा हो गया आज डांस क्लास थी और आप कहाँ जा रहे हो ऑफिस तो ये कर रहे हैं ऑफिस की तैयारियां प्रेस करे हुए कपड़े रखे हैं तुम्हारे ओके okay?